स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। माई सेल्फ कुंदन पांडे। टूडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2nd कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। स्टूडेंट्स, हमने पिछला वीडियो में हमने दो तरह के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, एक CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम उसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, या कि दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट। ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन क्या है? तो द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। यानी ब्रेन ही हमारे बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। इट इज प्रोटेक्ट बाय द कैर्नियम, इट इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेम्ब्रेनिंग, फिल्डेड विथ ए फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम द शॉक। यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। उसके अंदर क्रैनियम, क्या होता है? क्रैनियम। और एक किसके थ्रू कवर्ड होता है? एक मेम्ब्रेन्स के थ्रू कवर्ड होता है, उसे कहते हैं मैनेजिंग फील्ड। क्या कहते हैं? मैनेजिंग फील्ड। वो मैनेजिंग फील्ड के अंदर क्या होता है कि फ्लूइड लाइक लिक्विड भरा होता है, कि उसे बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो उस ब्रेन को जर्क से बचाने का काम करता है, सॉक्ट से बचाने का काम करता है। द ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं, आर द फोर ब्रेन। पहला क्या है? फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ऊपर वाला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन बीच का, और हिंड ब्रेन नीचे का पार्ट्स। तो देखते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या आता है? फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था, बताइए। अगर देखिए, तो कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रम कंसिस्ट होता है, अभी आगे हम सेरिब्रम का भी बारे में बताएंगे। ऑल्फैक्टरी लोब्स, इट इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। और क्या होता है हमारे बॉडी का? थिंकिंग पार्ट्स होता है, एंड कंट्रोल्स वॉल्वेंट्री एक्शन। और ये हमारे इच्छाओं पे कंट्रोल करने का, वॉल्वेंट्री एक्शन यानी कि जो हमारे इच्छा के अनुसार जो एक्शंस होते हैं उस पर कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस। यानी इसका क्या क्या काम होता है, किस पे कंट्रोल करने का काम करता है हमारा फोर ब्रेन? यानी कि टच पे, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, मेंटल एक्टिविटीज लाइक थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड इमोशंस पे इसका कंट्रोल होता है। ये इसके लिए रिस्पॉन्स होता है फॉर ब्रेन। इसमें जो मेनली पार्ट इंक्लूड होता है उसे कहते हैं सेरिब्रम। और ये सेरिब्रम जो होता है ये बहुत कम, यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत कम समय के लिए स्टोर, यादों को स्टोर करके रखता है। अगर इसे, अगर 10-15 बार इसको रिवाइज किया जाए तो वो सेरिबेलम में स्टोर हो जाता है, और सेरिब्रम हमेशा हमेशा के लिए उस चीज़ को स्टोर करके रख लेता है। उसका मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है कंट्रोल इनवॉल्वेंट्री एक्शन, यानी कि वो उस तरह का एक्शन को कंट्रोल करता है जिस पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे हार्ट बीट पे हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, ब्रीथिंग को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, डाइजेशन को नहीं कंट्रोल पाएंगे। यानी इस तरह के इनवॉल्वेंट्री एक्शन को, और रिफ्लेक्स मोमेंट्स ऑफ हेड, नेक, आइज एक्सेट्रा, इन सब की भी क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है मिड ब्रेन। देखते हैं हिंड ब्रेन क्या होता है। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम कंट्रोल्स बॉडी मोमेंट्स, बैलेंस एंड पोस्चर। यानी कि हमारे बॉडी के में जो भी मोमेंट्स होते हैं, इस तरह के मोमेंट्स को जो सेरिबेलम क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। बैलेंस यानी कि साइकिल चला रहे हैं तो उसको कैसे बैलेंस करना है, इन चीज को चल रहे हैं तो उस पर कैसे हमारी ग्रेविटी के थ्रू हमारे बॉडी का कैसे बैलेंस होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो बैलेंस करने का काम करता है। पोन्स कंट्रोल रिस्पायरेशन, किसको कंट्रोल करता है? रिस्पायरेशन को कंट्रोल, उस पर उसका एक्शन होता है हमारे पोन्स का। मेड्यूला आल्सो नोन एज द स्मॉल ब्रेन, छोटा ब्रेन भी कहा जाता है मेड्यूला। और ये मेड्यूला के सबसे खासियत ये होती है कि ये सोए हुए पर भी काम करता है। जैसे सोए हैं, आपको कैसे पता चल, आप सपने देख रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं वो ब्रेन काम कर रहा है,
तो वो मेड्यूला ही काम करता होता है। कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों पे मेड्यूला का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट देखिए, ये ह्यूमन ब्रेन है, ये पेरिएंटल लोब है, जो हम जिसे सेरिब्रम बोलते हैं, ये सेरिब्रम का पार्ट्स होता है। देखिए यहाँ पोन्स वाली पार्ट्स है, ये हमारा सेरिबेलम है, क्या यह सेरिबेलम है, और यहाँ पे मेड्यूला, देखिए यहाँ पे मेड्यूला है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन का तीन पार्ट, पहला कि ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन है, ये दूसरा हमारा मिड ब्रेन है, और ये तीसरा हमारा हिंड ब्रेन है। तो इस तरह से ये ब्रेन का एक प्रॉपर फिगर है, आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, एक इसका जूम फिगर देख लीजिए। देखिए ये इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, मिड ब्रेन ये वहाँ वाला दिखाई दे रहा है, पोन्स यहाँ पे, मेडुला ऑब्लिगेंट्स जो अभी हमने उसका फंक्शन बताया हुआ है पीछे, सेरिबेलम ये सेरिबल एक्वेडक्ट, फोर्थ वेंट्रिडाइट्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, और ये टेली रिसेफ्लॉन यानी कि ये जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे बॉडी के फ्लूइड से भरा होता है, ये जो पूरा थिंकिंग यानी कि ब्रेन को कंट्रोल करने का काम ये भी करता है। देखिए अब देखते हैं दूसरा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो पार्ट है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड एक्सटेंड थ्रू द वर्टेब्रल कॉलम, हैज 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, इट कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, इट ऑल्सो कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि ये स्पाइनल जो कार्ड होता है, ये हमारे जैसे मेड्यूला जो जहाँ से ख़त्म होता है, लास्ट होता है, यानी वहाँ से ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच से हमारा स्टार्ट होता है। कितने पेयर्स में, 31 पेयर स्पाइनल नर्व होते हैं इसके अंदर, और जो क्या कैरी करता है, मैसेज को ब्रेन तक कैरी करने का काम करता है। इसके अलावा कुछ मैसेज को यह ब्रेन तक भी नहीं, खुद रिस्पॉन्स दे देता है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क जैसे मैसेज को यह खुद रिस्पॉन्स करने का काम करता है। ये ही स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए सर्वाइकल नर्वस, थ्रोएशिया नर्वस, लंबर नर्वस एंड सैक्रल नर्वस, ये है। देखिए अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके थ्रू क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन इज सडन अनकॉन्सियस एंड इनवॉल्वेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द इफेक्टर टू द स्टिमुल्स। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि यानी कि जो रिस्पॉन्स हम इन्वॉल्वेंट्री रिस्पॉन्स, जिसपे हमारा ब्रेन का कोई कंट्रोल ना हो और वो जस्ट स्टिमुलाइज होकर तुरंत रिस्पॉन्स करता हो, अचानक यानी कि सडन रिस्पॉन्स करता है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल में दिया है, वी सडनली विथड्रॉ आउट हैंड, वी सडनली टच ए हॉट ऑब्जेक्ट। जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो कैसे हटा लेते हैं जल्दी से, यानी कि वहाँ पे ब्रेन को तो थिंकिंग करने का टाइम भी नहीं मिलता है, तब रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही रिस्पॉन्स होता है। इन दिस रिफ्लेक्स एक्शन द नर्व इज द स्किन रिसेप्टर, इसमें स्किन रिसेप्टर होता है, डिटेक्ट द हार्ट एंड पास द मैसेज थ्रू द सेंसरी नर्वस, और इस तरह से हार्ट के थ्रू ये सेंसरी नर्वस को मैसेज भेजता है द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज जाता है, देन द इंफॉर्मेशन पास थ्रू द मोटर नर्वस, उसके बाद तुरंत स्पाइनल कॉर्ड को गया, यानी कि रिसेप्टर के थ्रू सेंस नर्वस यानी कि हार्ट के थ्रू वो तुरंत मैसेज कहाँ पे पहुँच गया, हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे पहुँच गया, और स्पाइनल कॉर्ड तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू, मोटर नर्वस के थ्रू वो इफेक्ट करने का काम करेंगे टू द मसल्स, किसको, मसल्स को इफेक्टर्स के फॉर्म में सेंड करेंगे, अब द हैंड वी ड्रॉ द आउट हैंड, और हम हाथ को क्या कर देते हैं, हटा लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ए सपोज करिए कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कि यहाँ पे ए आपका जो नी है, यहाँ पर किसी तरह का एक की यानी कि हिट या की आपको वहाँ पे टच हो गया, तो हुआ क्या, हैमरिंग हो गया, चाहे हैमर से चोट लग गई, तो इसमें क्या हुआ कि जो ये एक्शंस हैं यानी कि जो यहाँ से जो देखिए जो मैसेज को लेके जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैसेज को लेके जा रहे हैं, ये रिसेप्टर है, क्या है, रिसेप्टर लेके गए, और ये हमारे जो सर्विक्स एरिया है, यहाँ पे जो बोन्स होते हैं, इस बोन्स के बीच में जो न्यूरो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ तक कि ग्रे मैटर के थ्रू, देखिए व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर के बीच में जो ये मटेरियल होता है, यही होता है हमारा सेंस न्यूरॉन्स, क्या होते हैं, सेंस न्यूरॉन्स, और ये हमारे सर्विक्स एरिया में जो स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है इस मैसेज को, और जस्ट वो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन को मैसेज ना भेज के तुरंत वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस उस मैसेज को भेजता है, और तुरंत हम पैर को क्या करते हैं, बैक साइड या कि पीछे की तरफ खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क देख लेते हैं क्या होता है।
द पाथवे ऑफ ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि जो पाथ होता है रिफ्लेक्स एक्शन का उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि किस पाथ के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि रिसेप्टर किस थ्रू जाते हैं और फिर मोटर न्यूरॉन्स कैसे आते हैं। इन चीज़ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी आपका हैंड है, सपोज के स्टिमुलस होता है, वो हैंड स्टिमुलाइज हो रहा है, तो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन, यानी अगर हाथ आप किसी हॉट थिंग्स पे रखते हैं या कि जलते हुए आग में आपका हाथ पड़ गया तो आप हाथ को बैक हटाएंगे, तो वहाँ पे जो सेंस ऑर्गन रिसेप्टर के फॉर्म में वर्क करेगा वो होगा हमारा स्किन। क्या होगा? स्किन। और वो सेंसरी नर्वस के थ्रू कहाँ पे पहुँचेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचेंगे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुँचेंगे, सपोज करिए कि यानी कि हमारा हैंड ये जो फिंगर्स है वो टच होंगे, तो टच होंगे फिंगर तो यहाँ पे स्किन्स होंगे, तो ये स्किन वो रिसेप्टर का काम किए और यहाँ तक मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ है हमारे, तो इस बीच में जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है स्पाइनल कार्ड के तक वो होता है सेंसरी नर्वस। क्या होता है? सेंसरी नर्वस। उसके बाद स्पाइनल कार्ड के पास मैसेज पहुंचा, स्पाइनल कार्ड अब उसको क्या करेगा? इफेक्टर्स करेगा, इफेक्ट करेगा, यानी उस मैसेज को क्या करेगा? बैक, यानी कि वो फिर हमारे दूसरे हमारे उसी हैंड को क्या करेगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू सेंड करेगा मैसेज कि आप अपने हाथ को क्या करो? बैक साइड में खींचो, तब आपकी क्या हो सकते हैं? आप हॉट थिंग से बच सकते हैं। तो फिर वो स्पाइनल कार्ड मैसेज किया मोटर नर्व्स को, यानी इसी हैंड के मोटर नर्व्स को मैसेज किया, और फिर हमने इफेक्टर मसल्स ग्लैंड, यानी जो इफेक्टर जो मसल्स और ग्लैंड जो इफेक्ट कर रहे हैं उसके थ्रू हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं, और इसी पाथवे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ है, स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, सेंस न्यूरॉन्स अभी हमने बताया, सेंसरी सेल बॉडी, और ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड के मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हुआ? मैसेज वापस आ गया। स्टूडेंट्स, कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, स्टे होम स्टे सेफ।